नमस्कार, आप देख रहे हैं TV20 न्यूज। मैं हूं आपके साथ इस बुलेटिन में डॉक्टर प्रियंका सोनी। आप लॉकडाउन का पालन करें, घर में रहें, सुरक्षित रहें, प्रशासन का सहयोग करें। अब नजर डालते हैं खबरों पर। आजमगढ़ जिले में जहरीली शराब से हुई मौतों ने जिले के आलाधिकारियों के कान खड़े कर दिए हैं। तो वही पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अवैध शराब बनाने और बेचने में अवैध सलाह रखने वाले अपराधियों पर पुलिस द्वारा ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में कार्रवाई करते हुए महाराजगंज पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। महाराजगंज पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई में अवैध शराब व असलहे के साथ 3 लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं। कोतवाली प्रभारी महाराजगंज ने बताया कि प्राप्त सूचना के आधार पर पुलिस कुड़ही रैन बसेरे के आसपास अपराधियों की तलाश में गश्त बढ़ा दी। उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस वालों को देखकर अपराधियों द्वारा फायरिंग भी की गई, परंतु पुलिस की तत्परता के चलते 3 व्यक्ति गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जबकि 2 अंधेरे व भौगोलिक परिस्थिति का फायदा लेते हुए भागने में कामयाब हो गए। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्त व्यक्तियों में संतोष सिंह निवासी बीबीपुर, प्रवीण यादव व संजय यादव निवासी चेरा कटघरा के पास से 20-20 लीटर अवैध देसी कच्ची शराब के साथ एक अदद 12 बोर की देसी बंदूक व 2 तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। उपरोक्त 3 अपराधियों पर संबंधित धाराओं में चालान कर जेल भेज दिया गया है। सर, ये देखिए, जनपद में जो अवैध शराब की बिक्री पर और अवैध शराब के निर्माण पर जो अभियान चलाया गया है, इसके तहत 3 थाना क्षेत्रों में पुलिस द्वारा जो है एक कड़ी कार्रवाई की गई है। थाना कोतवाली में 25 लीटर शराब 2 अभियुक्तों से बरामद हुई है, जो कि अवैध शराब बना रहे थे। संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके जेल भेजा गया है। इसी प्रकार सिधारी में 50 लीटर शराब और एक अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई है। थाना महाराजगंज में 60 लीटर शराब बरामद हुई है, 3 अभियुक्तों से बरामद हुई है। शराब के अलावा उनके पास अवैध हथियार भी बरामद किए गए हैं। इन तीनों जगह पर, तीनों थाना क्षेत्रों में जो अवैध शराब बरामद हुई है और उसके अलावा जो नशीला पदार्थ और एक जगह हथियार हुए हैं, दोनों में संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके सभी अभियुक्तों को जेल भेजा गया है। ये जो अभियान चल रहा है, ये निरंतर चलता रहेगा जब तक इसका अवैध शराब का सभी जो स्थान जहाँ पर ये कोई निर्माण या कोई संदेह है या कोई भी शिकायत है, जब तक ये प्राप्त हो रही है तब तक ये अभियान निरंतर जारी रहेगा।